अगर आप नोएडा स्टेशन में कम बजट में कोई बड़ा सा 3 बेडरूम प्लस स्टोर अपार्टमेंट देख रहे हैं तो आज के इस अपार्टमेंट को मिस मत करना। आज का हमारा ये अपार्टमेंट लो फ्लो पे आ जाता है और बिल्कुल प्रॉपर रोड व्यू के साथ आ जाता है। तो सब कुछ देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोसाइटी और लोकेशन से। तो नोएडा सेक्टर 52 के मेट्रो से हार्डली 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर नोएडा स्टेशन के टैग जोन 4 में एक मूर्ति के पास हमारी सोसाइटी फ्यूजन होम्स आ जाती है। सोसाइटी हमारी ऑनरोड 3 साइडेड ओपन हो जाती है और यहाँ से एक मूर्ति वॉकिंग डिस्टेंस पर आ जाता है। ये भी हमारी सोसाइटी ना अंदर चलते हैं। फ्यूजन होम सोसाइटी हमारी कम्प्लीटली रेडी टू मूव इन सोसाइटी है। 9 एकड़ में स्प्रेड है जिसमें आपको 12 टावर देखने को मिल जाता है। सोसाइटी में सारी एमिनिटीज, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल देखने को मिल जाता है। सोसाइटी का मेंटेनेंस काफी अच्छा है। ना हमारे टावर की बात करें जो कि सामने जाता है और हमारे इस टावर के लोअर फ्लोर पे हमारा आज का अपार्टमेंट आ जाता है। ना हमारे टावर के फ्लोर प्लानिंग की बात करें तो 1, 2, 3 लिफ्ट मिल जाता है। 3 लिफ्ट से आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे हमारा अपार्टमेंट आ जाता है। एरिया 1635 स्क्वायर फीट, एंट्रेंस पे मेटल गेट मिल जाता है और इसके बाद एक वुडन गेट मिल जाता है। और अब इन दोनों गेट से जैसे ही एंटर करेंगे हमारे अपार्टमेंट का बड़ा सा लिविंग एरिया जाता है। लेट्स चेक दिस आउट। तो एंट्री करते ही 15x10 का हमारा लिविंग एरिया जाता है और वहाँ पे हमारा डाइनिंग एरिया 11x8 का हो जाता है। यहाँ पे हमारा किचन आ जाता है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट बेडरूम, वहाँ पे सेकंड, वहाँ पे थर्ड बेडरूम। और हाँ, लिविंग एरिया में आप जैसे ही एंट्री करेंगे मेन गेट से तो यहाँ पे हमारे स्टोर और पूजा रूम में जाता है। फिलहाल यहाँ पे सामान रखा है 4.5x5 का डायमेंशन हो जाता है। एंट्रेंस पे वुडन गेट मिल जाता है, लॉकेबल रूम मिल जाता है, लाइट्स को ऑफ कर देते हैं। और हमारे इस बड़े से लिविंग एरिया में वेंटिलेशन सेट के लिए सामने एक बालकनी मिल जाता है। हमारी फर्स्ट बालकनी जाती है 5 फीट वाइड। फिलहाल सामान रखा है, व्यू हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपने अपार्टमेंट की किचन की तरफ। आज के हमारे अपार्टमेंट के अंदर प्रॉपर काम हो रखा है। यहाँ पे हमारा किचन आ जाता है, डायमेंशन 9x8 का हो जाता है। तो ये हमारा फर्निश किचन हो जाता है, ऊपर नीचे पूरा काम हो रखा है। यहाँ पे आपको काम मिल जाता है। और हमारे इस बड़े से किचन के साथ एक अटैच बालकनी मिल जाती है। वहाँ पे ये बालकनी हमारी यूटिलिटी और हमारी सेकंड बालकनी जाती है 5 फीट वाइड एंड कम्स विद दिस वे। सो दैट्स अवर बालकनी और बैक टू अवर अपार्टमेंट। नाउ फटाफट हमारे बेडरूम्स को देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने सामने वाले फर्स्ट बेडरूम से। डायमेंशन 10x11 का हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम हो जाता है। बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमारे बेडरूम के अंदर यहाँ पे एक ह्यूज वुडन वार्डरोब मिल जाता है और वहाँ पे एक वॉशरूम मिल जाता है। हमारा फर्स्ट वॉशरूम डायमेंशन 5x7 का हो जाता है और यहाँ पे अटैच एक बालकनी मिल जाती है। हमारी थर्ड 5 फीट वाइड स्पेशियस बालकनी विद दिस व्यू। सो दैट्स द व्यू। नो बैक टू अवर अपार्टमेंट। नाउ आपको एक बढ़िया बेडरूम में लेके चलता हूँ, हमारा सेकंड और मास्टर बेडरूम। डायमेंशन 11x13 का हो जाता है। तो जैसे वो सेकंड है मास्टर बेडरूम, नीचे आपको वुडन फ्लोरिंग मिल जाता है। और हमारे बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, एक रनिंग वार्डरोब यहाँ पे मिल जाता है, एक वार्डरोब वहाँ पे मिल जाता है। और साथ में सामने अटैच हमारा सेकंड वॉशरूम में जाता है। डायमेंशन 5x7.5 का हो जाता है। और साथ में सामने बालकनी भी मिल जाता है। हमारी फोर्थ ह्यूज अपार्टमेंट की सबसे बड़ी 5 फीट वाइड बालकनी, एल शेप की स्पेशियस बालकनी विद दिस व्यू। तो हमारे मास्टर बेडरूम के इस बड़े से एल शेप की बालकनी से आपको ये व्यू मिल जाता है। एक बार फटाफट देख लेते हैं, नीचे आपको प्रॉपर रोड का व्यू मिल जाता है और यही रोड आगे जाके हमारे 130 मीटर रोड से कनेक्ट करता है। यहाँ से आपको 130 मीटर रोड भी दिख जाएगा। ये वही रोड है जहाँ पे आपका मेट्रो लाइन प्रपोज्ड है। तो यहाँ से आपको रोड का और साथ में सिटी का व्यू मिल जाएगा। ना बैक टू अवर अपार्टमेंट। तो ये हमारे अपार्टमेंट का सेकंड और मास्टर बेडरूम जिसमें आपको 2 वॉटर मिल जाता है। बेडरूम से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे हमारा थर्ड कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, जो कॉमन हो जाता है हमारे थर्ड बेडरूम से। 10x12 का डायमेंशन हो जाता है। तो जैसे वो थर्ड एंड लास्ट बेडरूम, बेडरूम में वहाँ पे एक वुडन वार्डरोब मिल जाता है और हमारे बेडरूम के साथ अटैच यहाँ पे एक वॉशरूम मिल जाता है, जो कॉमन हो जाता है हमारे लिविंग एरिया से भी। तो साथ में बेडरूम के वहाँ बालकनी मिल जाता है। हमारी फिफ्थ बड़ी सी 5 फीट वाइड बालकनी विद दिस व्यू। तो हमारे इस बालकनी से भी आपको वही रोड का और सामने 130 मीटर रोड का सिटी का व्यू मिल जाता है। सो ये तो हमारा अपार्टमेंट। अब बात करते हैं डिमांड की। सो हमने इस वीडियो में हमारे अपार्टमेंट का लोकेशन, सोसाइटी, फ्लोर, कंडीशन सब कुछ देख चुके हैं। नाउ डिमांड की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको या फिर आपके रिलेटिव को अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉपर्टी के प्रमोशन का एडवर्टीजमेंट का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। नाउ डिमांड की बात कर लेते हैं। सो डिमांड फॉर दिस अपार्टमेंट इज जस्ट 1.45 crore, मतलब बस 1.45 करोड़ रुपए। आपको इस प्राइस में इतना बड़ा अपार्टमेंट नोएडा स्टेशन के अंदर नहीं मिलेगा, वो भी एक रोड फेसिंग अपार्टमेंट, लो फ्लो पे रजिस्टर्ड अपार्टमेंट। अभी के टाइम में मिलना बिल्कुल मुश्किल है, तो फटाफट आप हमें डीएम करिए। दोनों आईडी आपको डिस्प्ले पे शो हो रही होगी। मेरा नाम शौर्य है, मिलते हैं लोकेशन पे या फिर नए डील के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।